नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बी एस एट की क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है खंड शिक्षा अधिकारी के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों आज हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे 120 प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको आइडिया होगा, अंदाजा हो जाएगा कि आपको एग्जैक्टली किस प्रकार का पेपर जो है परीक्षा रूम में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए, काम का लगे, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने, क्या आप जानते हैं दोस्तों कि भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सबसे अधिक प्रचलित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस पे जल्दी विचार करके बताएं कि सिंचाई के कौन से साधन जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है जब बात हो रही है भारत की। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई जो है भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है। दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं भारत की, तो आप जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 करोड़ हेक्टेयर। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों किस तिथि को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया, हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया था। तो दोस्तों हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जो है वो जारी रखी थी। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों विचार करके बताइए कि 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में से जल्दी से विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो अगस्त ऑफर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कारण क्योंकि अगस्त ऑफर जो है 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा दिया गया था। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों इसे अगस्त ऑफर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को, जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, 8 अगस्त 1942 को लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रस्तुत किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अनुच्छेद 11 में जो दिया गया है वो यही दिया गया है या फिर कुछ और। बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के लिए, क्योंकि अनुच्छेद 311 जो है वो सिविल सेवकों को हटाए जाने या फिर उनका प्रमोशन या डिमोशन करने से संबंधित जानकारी देता है। तो दोस्तों ये जो पी वाला है ये गलत हो जाएगा। क्यों का देखते हैं दोस्तों, तो क्यों में दे रखा है उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्यवाही से बचाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 312 की, तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से इसका संबंध है। तो दोस्तों यहां से आपका ना तो पी और ना ही क्यू, माने ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, क्योंकि दोनों ही कथन जो है वो गलत दिए गए हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कटौती प्रस्ताव यह क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो कटौती प्रस्ताव वह प्रस्ताव होता है जो विपक्ष जो है वो विपक्ष के द्वारा रखा जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था कटौती प्रस्ताव, नीति कटौती प्रस्ताव और टोकन कटौती प्रस्ताव जो है वो कटौती प्रस्ताव के ही प्रकार है, जबकि ऑप्शन नंबर ए सटीक कटौती प्रस्ताव जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यह जो है कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, यदि आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर डी मिजोरम, तो दोस्तों मिजोरम राज्य में लोकसभा निर्वाचन की केवल एक ही सीट है, और यह सीट जो है दोस्तों याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। जबकि अगर दोस्तों हम बात करें कुछ और राज्यों की, जैसे त्रिपुरा है हमारा, मणिपुर है, या फिर बात करें मेघालय की, तो इन सभी राज्यों में लोकसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों, याद रखिएगा इन तीनों ही राज्यों में लोकसभा की दो दो सीटें हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न।
दोस्तों गच्चा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? क्या दोस्तों आप जानते हैं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो गच्छ, जिसे हम गच्छा भी कहते हैं, नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, को पूर्ण वैधानिक अधिकार किस स्थिति को प्राप्त हुए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को पूर्ण वैधानिक अधिकार जो है वो 30 जनवरी 1992 को दिए गए थे। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों इनमें से कौन से मामले में जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जहां राज्य सरकार के भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग प्रभावित होते हैं, तो दोस्तों क्या इसके लिए जनहित याचिका दायर की जाती है? चलिए अगला पढ़ते हैं। सड़कों, सीवर आदि को बनाए रखने के लिए जनहित याचिका दायर की जा सकती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए व्यस्त सड़कों से बड़े होर्डिंग और साइन बोर्ड हटाने के लिए क्या जनहित याचिका लगाई जा सकती है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रश्न में दिए गए सभी मामलों में जनहित याचिकाएं दायर की जा सकती है, क्योंकि जनहित याचिका जो है वो भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पी, क्यू और आर सभी के लिए दायर की जा सकती है हमारी जनहित याचिका। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष जो है वो एलिनोर रूजवेल्ट थी। तो दोस्तों जिन्हें हम रूजवेल्ट के भी नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें इनके बारे में तो एलिनोर रूजवेल्ट जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला फर्स्ट लेडी रही थी। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो विंसन मैसिफ है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी ऊंचाई की, विंसन मैसिफ की ऊंचाई की, तो कुल 4,822 मीटर ऊंचाई है विंसन मैसिफ की। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों भारत में महिलाओं को इनमें से कौन सा या कौन से संवैधानिक प्रावधान और विशेषाधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि महिलाओं के लिए आरक्षण का हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या का एक तिहाई से कम नहीं होना चाहिए, या फिर हम बात करें तो महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रत्येक नगर पालिका में सीधे चुनाव से भरने वाली सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यह दोनों ही कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी, पी और क्यू दोनों ही सत्य है बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। वी शिव रमन समिति की सिफारिशें किस वर्ष में लागू की गई थी? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वी शिव रमन समिति की सिफारिशों को कब? बिल्कुल ठीक, 1982 में इस समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था। और दोस्तों इस समिति का संबंध किस मुद्दे से है? तो दोस्तों बात करें इस समिति की सिफारिश पर ही भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, जिसे हम जानते हैं नाबार्ड के नाम से। और दोस्तों इसी समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड नामक बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा लॉर्ड वेलिंगटन। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहे? तो बिल्कुल ठीक है, वर्ष 1931 से लेकर 1936 तक लॉर्ड वेलिंगटन जो है भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कार्यरत थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। वर्ष 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने एक किस नाम की योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया? तो दोस्तों एक ऑपरेशन चलाया गया था, किस नाम से चलाया गया था? गोवा, दमन और दीव को भारत में मिलाने के लिए वर्ष 1961 में।
बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें तो वर्ष 1961 में गोवा, दमन और दीव पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया था। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि घोष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई जनगणना का घोष वाक्य था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ठीक दोस्तों। अगर हम बात करें तो ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2011 में की गई जनगणना में हमारा घोष वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितने से अधिक और कितने से कम नहीं हो सकती है? जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों 500 और मिनिमम कितने हो सकते हैं? तो कम से कम 60। तो दोस्तों यहां से दिए गए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों निम्न में से किस में आदेश और विकल्प की सूची होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं कि किस में कमांड और ऑप्शंस की सूची पाई जाती है। बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी मेन्यू बार हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन, क्योंकि मेन्यू बार में हमारी आदेश माने कमांड और विकल्प की सूची पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित हार्मोनों में किस प्रकार का हार्मोन पेप्टाइड श्रृंखला द्वारा निर्मित होता है? तो दोस्तों सामान्य विज्ञान से कई सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों को ही अलग अलग तैयार करना चाहिए अगर आप सीरियसली पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो। बिल्कुल ठीक दोस्तों। अगर हम बात करें इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन जो है वो मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कि पेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है और यह हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बैलेंस करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। चुंबकीय गालक घनत्व की इकाई क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों। अगर हम बात करें तो चुंबकीय गालक घनत्व की इकाई जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए टेस्ला होती है। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है? इनडिफरेंस कर्व जो है वो क्या दर्शाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ठीक दोस्तों। अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों निम्न का मिलान कीजिए। तो दोस्तों आपको क्रांति और उससे संबंधित नेताओं के कुछ नाम दिए गए हैं, तो आपको यही बताना है कि कौन सी क्रांति से संबंधित कौन से नेता हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हरित क्रांति जो है उसमें किसका योगदान रहा है? बिल्कुल ठीक है, M.S. स्वामीनाथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें श्वेत क्रांति में वर्गीज कुरियन, इनका नाम आप सभी ने सुना होगा, और गुलाबी क्रांति से संबंध रहा है दोस्तों दुर्गेश पटेल का। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो पहले का है बी, दूसरे का है दोस्तों सी और तीसरे का हो जाएगा ए। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस प्रश्न के लिए दिए गए ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो दोस्तों क्या किसी प्रकार की कोई सीमा या लिमिट निर्धारित की गई है कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर चयनित हो सकता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों। अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 57 में कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित होने के लिए योग्य है। तो दोस्तों यहां पर कोई भी लिमिट नहीं बताई गई है। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी कोई सीमा नहीं बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस प्रश्न के लिए दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों। अगर हम बात करें तो बारदोली सत्याग्रह के अग्रणी नेता के रूप में कार्यरत थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? दोस्तों सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो टुंड्रा वन जो होते हैं मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों यह वन कहां पाए जाते हैं, तो एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में यह वन जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका दैनिक तापमान में अंतर जो है वो सर्वाधिक होगा। तो दोस्तों अलग अलग प्रकार की जलवायु से संबंधित क्षेत्र आपको बताए गए हैं, तो जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से किसमें जो है तापमान टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा, माने रात के 12 बजे कुछ और दिन के 12 बजे कुछ और। बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मरुस्थल इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। मरुस्थल में जो तापमान का अंतर होता है वो दिए गए विकल्पों में से सबसे ज्यादा होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है। तो दोस्तों एक प्रश्न पक्का है, मुश्किल से 10-12 विटामिन और उससे संबंधित रोग, तो इन सबको आपको बिल्कुल 100% कंफर्म करना ही करना है। तो फिलहाल दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी नामक रोग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, मानव हृदय का दाहिना भाग कैसे रक्त प्राप्त करता है, कैसा रक्त प्राप्त करता है दोस्तों, शुद्ध होगा, अशुद्ध होगा या फिर मिश्रित होगा। बिल्कुल ठीक, मानव हृदय का जो दाहिना भाग होता है ना दोस्तों वह अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। तो दोस्तों यहां से दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों बात करें तो मानव हृदय के इस भाग में उच्च महाशिरा एवं निम्न महाशिरा द्वारा शरीर का अनाक्षीकृत जो रक्त होता है वह आता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दिए गए ऑप्शंस में से, बिल्कुल ठीक हमारा ऑप्शन नंबर बी यकृत हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो द्रव चालित लिफ्ट जो है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी पास्कल का सिद्धांत हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों अगर बात करें इस सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न दोस्तों, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान हो जाते हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न सही उत्तर बताइए। बिल्कुल ठीक, अगर बात करें तो दोस्तों -40 बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, MICR के असंक्षिप्त रूप में मतलब फुल फॉर्म में I का क्या अर्थ है। तो दोस्तों आपको इसकी MICR की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो दोस्तों यहां से I का क्या मतलब निकला, बिल्कुल ठीक है इंक। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन बिल्कुल ठीक, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्सादन अथवा ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो दोस्तों इसे हम सब्लिमेशन भी कहते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इसे सब्लिमेशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों कांस्य जिसे हम ब्रॉन्ज भी बोलते हैं मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि ब्रॉन्ज के कंपोनेंट्स दिए गए विकल्पों में से कौन होंगे। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो कांस्य में तांबा और रांगा का कॉम्बिनेशन होता है। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उड़न राख का कारण है। तो दोस्तों उड़न राख का मतलब है कि कहां राख जो है उड़ रही होती है। तो दोस्तों जल विद्युत ऊर्जा केंद्र के आसपास राख आपको कभी नहीं दिखेगी, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के पास भी नहीं दिखेगी, ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र इसके पास भी नहीं दिखेगी, सिर्फ कोयला दहन ऊर्जा केंद्र होगा उसके पास आपको उड़ती हुई राख आसानी से नजर आ जाएगी। तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा।
बिल्कुल ठीक। सापेक्षता का सिद्धांत जो है दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने विकसित किया था। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें बाकी सारे ऑप्शन की तो आइजेक न्यूटन, तो दोस्तों आइजेक न्यूटन ने किसका गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत जो है इनके द्वारा दिए गए थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट है चार्ल्स डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन ने जो है वो जैव विकास का सिद्धांत दिया था। और दोस्तों मैडम क्यूरी को हम सब जानते हैं, मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम की खोज की थी। तो वेरी गुड, इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, क्वींसबरी नियम किस एक नियम संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है। तो दोस्तों किससे संबंधित है क्वींसबरी नियम। बिल्कुल ठीक दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी मुक्केबाजी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक विशिष्ट चित्रकार है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार भी है। बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी अमृता शेर के लिए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। राजकोषीय नीति मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बात करें दोस्तों कराधान मतलब टैक्सेशन की, जन व्यय मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर की, और लोक ऋण मतलब पब्लिक डेब्ट की। तो दोस्तों यह तीनों ही राजकोषीय नीति के प्रमुख यंत्रों के प्रमुख पार्ट है। तो दोस्तों यहां से हमारा क्रेडिट राशनिंग ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, क्योंकि यह हमारी राजकोषीय नीति फिजिकल नीति का एक हिस्सा नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों निम्न में से कौन सा या फिर कौन से समीकरण सही नहीं है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारा केवल तीसरा जो है वो सही नहीं है, बाकी जो पहला और दूसरा है वो सही है। एनआई मतलब नेशनल इनकम, एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्लस निवल विदेशी आय मतलब प्योर विद फॉरेन इनकम। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है नेशनल इनकम। अगर हम बात करें जीएनपी की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो दोस्तों जीडीपी प्लस निवल विदेशी आय। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी केवल थर्ड जो है वो गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। तो दोस्तों कई बार राष्ट्रपति, राज्यसभा या फिर कैग या फिर जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल इस प्रश्न के लिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 267 267 जो है वो यह बताता है कि भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक जो है वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हालांकि दोस्तों उसमें कुछ प्रतिबंध भी लगा रखें कि इस निधि का प्रयोग जो है वो संसद की अनुमति के बिना संभव नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान, सभी ने नाम सुन रखा होगा इनका। भारत की प्रथम महिला शासक जो है वो रजिया सुल्तान थी, और दोस्तों यह किसकी पुत्री थी, यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। और दोस्तों रजिया ने शासन चलाने के लिए पुरुषों का वेश धारण किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दिए गए ऑप्शंस में से, बिल्कुल ठीक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की तो कब से, तो वर्ष 1828 से वर्ष 1835 तक यह जो है भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कार्यरत थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, और यह पृथ्वी के सबसे निकट एवं सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इस कारण इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जा सकता है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी शुक्र हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न,
फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक, अगर हम ऑप्शन पे विचार करेंगे तो दोस्तों खाली ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न के लिए, जो बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, 12 जोड़े पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। एक गेंद को लंब पूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहेगी? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, उसकी भौतिक मात्रा जो अचर रहने वाली है वह है ऊर्जा। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऊष्मा का SI मात्रक दिए गए विकल्पों में से क्या होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऊष्मा का SI मात्रक होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए जूल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। अंकीय संगणक मतलब कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि डेटा तथा प्रोग्राम को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए ऑप्शंस में से किस प्रोग्राम का यूज किया जाता है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी बाइनरी या फिर द्विगुण इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार और कई सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न अक्सर ही पूछ लिया जाता है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो साधारण नाम है उसे हम कहते हैं खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके केमिकल फार्मूले की, तो NaHCO3 जो है इसका केमिकल फार्मूला होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा एक लोहे का अयस्क है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है लौह उल्का इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों यह लोहे का अयस्क है। इसके अलावा दोस्तों लोहे के कुछ और अयस्क होते हैं जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, यह भी अयस्क की कैटेगरी में आते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है, कई बार यह पूछा जाता है कि सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है, किसमें सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा होती है? तो दोस्तों मैग्नेटाइट जो है वो सबसे अच्छा अयस्क माना जाता है और इसमें लगभग 72% जो है वो बिल्कुल ठीक, मैग्नेटाइट में लगभग 72% जो है वो लोहा पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। अल्बर्ट साबिन को किसका टीका विकसित करने के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो अल्बर्ट साबिन को पोलियो का टीका विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पोलियो का जो टीका है या तो मुंह में मतलब ओरल डोज के रूप में दिया जा सकता है या फिर इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो अल्बर्ट साबिन ने जो ओरल टीका है उसका डेवलपमेंट किया था। अगर हम बात करें दोस्तों इंजेक्शन के द्वारा दिए जाने वाला, तो जोनास साक बिल्कुल ठीक है, जोनास ने इस इंजेक्ट करके पोलियो का टीका दिया जाता है उसका आविष्कार बिल्कुल ठीक है, खोज जो है जोनास ने की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो दिए गए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर डी अरुंधति राय हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। बिल्कुल ठीक, भारत के दोस्तों 5 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दोस्तों यह 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमाएं साझा करते हैं, अगर याद रखना चाहे तो UUBPS बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी 5। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें दोस्तों पदार्थ के संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो दोस्तों पदार्थ के संवेग का फॉर्मूला होता है m/v। तो दोस्तों अगर हम बात करें
तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया, वेग क्या होता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो संवेग अपॉन वी हो जाएगा एमबी अपॉन वी, तो क्या बी वी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एम। तो दोस्तों यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं, और बिल्कुल ठीक है अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो दोस्तों एक नैनोमीटर में होते हैं 10^-9 मीटर, मगर जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं सेंटीमीटर में। तो दोस्तों सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो -9 थी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, -7। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें से किसमें एक्सरे का आविष्कार किया था? तो दोस्तों एक्स किरणों का आविष्कार जो है दिए गए ऑप्शंस में से किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर ए, रॉन्टजन ने विकसित किया था एक्सरे को। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शन में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन पे विचार करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्रिलिक जो है वो एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अदरक रूपांतरण है? तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं कि रूपांतरित रूपों में जड़, तना और पुष्प जो है वो तीन प्रकार का होगा, तो तीनों प्रकार में से कौन जो है कौन कौन से किसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो दोस्तों फिलहाल अगर हम बात करें तो अदरक हमारा किसका रूपांतरण है, बिल्कुल ठीक है अदरक जो है हमारे तने का रूपांतरण रूप है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो हमारे वास्तविक फल होते हैं दिए गए ऑप्शंस में से किसमें उत्पन्न होते हैं? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, ऐसे पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है, तो दोस्तों ऐसे कौन से पादप होते हैं? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी फर्न हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा होता है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों अगर बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो अनिवार्य होता है वह होती है नाइट्रोजन। तो यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न पर भी आपको ध्यान देना है, गैर संचारी रोग है ऐसा नहीं पूछा है, नहीं है यह पूछा गया। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी कॉलरा जो है वो एक गैर संचारी रोग नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, पेंसिलिन प्रतिजैविक दवाएं कहां से प्राप्त होती हैं? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो पेंसिलिन प्रतिजैविक दवाएं जो है वो दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर ए फफूंद से प्राप्त की जाती हैं, तो इस प्रश्न के लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह मुगल चारबाग पद्धति का स्थल नहीं है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों याद रखिएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और बाकी अगर हम तीनों की बात करें, हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग और लाल महल बारी, सभी स्थापत्यों में मुगल कालीन चारबाग पद्धति देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से हमारा सही कथन कौन सा होगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने अपने कानून होते हैं। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और देखिए तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और इसी प्रकार के और भी कई सारे रचनाकार रहे हैं, और इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर ही परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हें तो आपको तैयार करना ही चाहिए। फिलहाल इस प्रश्न के लिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए कबीर की रचनाएं हैं बीजक और पंचवाणी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न,
दोस्तों, गढ़ कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक, गढ़कटंगा का गोंड राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण तथा समूह राज्य था दोस्तों, और यह राज्य जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए कि यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो दोस्तों एलोरा की बात हो रही है, गुफा 15 की, नरसिंह को दिखाया गया है पुरुष सिंह के रूप में, तो दोस्तों किस काल का कृति है? बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो ऑप्शन नंबर ए, यह राष्ट्रकूल कूट काल की कृति हो जाएगी। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वस्तु विनिमय पद्धति को सही विशेषता कौन है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो हमारा कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम था जिसमें वस्तु से वस्तु को बदलकर व्यक्ति जो है एक दूसरे का काम चलाया करते थे, तो उसके संबंध में पूछा गया है कि कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा। बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो इसमें जो है धन का उपयोग किए बिना ही वस्तु की अदला बदली कर ली जाती थी। बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किस में छत्रक शैल पाए जाते हैं? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक, अगर बात करें तो छत्रक शैल होते क्या है? तो दोस्तों रेगिस्तान में पाए जाते हैं। यहां से अगर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, और दोस्तों यह जो है पवनों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, और दोस्तों रेगिस्तान में हवाओं से पत्थर जो है घिस कर एक विशेष आकृति का रूप धारण कर लेते हैं, और जिसे छत्रक कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में शाही थैली, तो दोस्तों शाही थैली का दिए गए ऑप्शंस में से किससे संबंध हो जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद भारत सरकार ने देसी रियासतों को भारत में विलय के बदले विशेष अधिकार और अनुदान दिए थे, और जिन्हें हम शाही थैली करके जानते हैं। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों दक्षिण भारत की बात हो रही है, नमक सत्याग्रह से जुड़े कौन से नेता थे? बिल्कुल ठीक, वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में दक्षिण भारत में एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता सी राजा गोपालाचारी, तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों उन्होंने जो है वो तिरुचिरापल्ली में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, ज्योतिबा राव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया था? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था, उन्हें ही समर्पित किया था ज्योतिबा राय फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों दो कथन आपको दिए गए हैं, जल्दी से कथन को पढ़ के और विचार कीजिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अब हम ऑप्शन को देख लेते हैं। तो दोस्तों अब विचार करके बताइए कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही और कौन सा गलत होगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन बी पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करते हैं, और वह राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, और दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो है मुख्यमंत्री के साथ किसी भी प्रकार का विचार विमर्श जो है आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर दो बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित मदों में कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप में ले गए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल ठीक, कैलिको सूती कपड़ा था जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप में ले गए थे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूती कपड़े। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न,
अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं, और दोस्तों इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि अगर पृथ्वी के अंदर बहुत अंदर जाना हो खनिज निक्षेपों के लिए, तो उसके लिए जो बनाए गए छिद्र होते हैं उन्हें किससे जाना जाता है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रवेदन खनन के रूप में जाना जाता है इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है, तो वह किसका उदाहरण हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम का अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका है, मगर उसकी संभावना बिल्कुल बनी हुई है। तो यहां से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संभाव्य संसाधन का उदाहरण हो जाएगा लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, गर्म जल के झरने किस ऊर्जा से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो हमारे झरने होते हैं गर्म जल के, तो उसे ऊर्जा जो है वो कहां से प्राप्त होती है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन को देख के आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप गर्म जल के झरने जो है बनते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। तो दोस्तों एक कृषि होती है, कृषि की तकनीक होती है जिसे हम कहते हैं रोपण कृषि, तो दिए गए विकल्पों में से इसके लिए सर्व उपयुक्त विकल्प कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न के लिए तो संसार में प्रचलित रोपण कृषि व्यापक पैमाने पर की जाने वाली वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल कृषि हो जाएगी। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें इसका उद्देश्य की, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आर्थिक लाभ कमाना होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों मध्य और शीर्ष प्रबंधन मतलब मिडिल लेवल और हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो दोस्तों इसकी प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ दिए गए विकल्पों में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु इस प्रश्न के लिए है बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों बेंगलुरु के विकास का कारण जो है यहां पर मिडिल और टॉप लेवल मैनेजमेंट की उपलब्धता और व्यापक प्रबंधन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, राज्य की विधायिका अंग से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दिए गए विकल्पों में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय राज्य के नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि से है, परंतु कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल होने के कारण जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य भी राज्य की विधायिका में शामिल होते हैं। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथन पर विचार कीजिए। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित दो कथन आपके सामने हैं, जल्दी से विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अब हम विकल्पों को देख लेते हैं। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत था। बिल्कुल ठीक, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के संबंध में दिए गए दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं, मतलब जो मौलिक अधिकार हैं उनका पालन जो है न्यायालय में भी किया जाएगा, इसे न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। और दोस्तों मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में किसी भी न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि नीचे वाली अदालत में उसके साथ सही डिसीजन नहीं हुआ, उसे न्याय नहीं मिला है, तो वो ऊपर की अदालत में बिल्कुल जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों मनाकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है एवरेस्ट से भी ज्यादा है। तो दोस्तों आपको यही बताना है कि यह जो है किस महासागर में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मनाकी पर्वत ऊंचाई किससे है, एवरेस्ट से भी ज्यादा है, किस महासागर में पाया जाता है? तो बिल्कुल ठीक है, मनाकी पर्वत जो है हवाई द्वीप के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि विनय पिटक जो है वो क्या अभिलेखित करता है? बिल्कुल ठीक, विनय पिटक जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है और इसमें बौद्धों के नियम का उल्लेख है। तो दोस्तों यहां से ऑप्शन नंबर डी बौद्धों के नियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न,
महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों। दो ऑप्शन यहां पे और दो ऑप्शन मिलेंगे आपको नेक्स्ट पेज पे। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां से महापाषाणों के विषय में अगर हम बात करें तो इनका उपयोग जो है वो दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों प्राचीन काल के लोग जो है वो अपने पूर्वजों की कब्रों के पास बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे और इन्हीं बड़े पत्थरों को महापाषाण कहा जाता था। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो पोताश्रय तरंगे भूकंपीय तरंगे नहीं है। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा अनुदैर्ध्य पृष्ठीय और अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो भूकंपीय तरंगों के अंतर्गत आती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित परिमंडलों में किस में मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो दोस्तों यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि मानव सहित, तो दोस्तों मानव जो है वो कहां पाया जाता है, जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक, मानव पाया जाता है दोस्तों स्थल मंडल में, ना कि जल मंडल, जीव मंडल और वायुमंडल में मानव नॉर्मली नहीं पाया जाता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलो से बना है, निम्नलिखित में से शैलो की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक, भारत का दक्कन का पठार वहिर्भेदी आग्नेय शैल श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों यह बेसाल्ट शैलो से बना हुआ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित स्थल रूपों में किस में खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि खनिज निक्षेपों की प्रचुरता जो है वो कहां, मैदान, पर्वत, घाटी, पठार, कहां पर पाई जाएगी? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी पठारों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं खनिज। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों देश का प्रथम राज्य जहां परियोजनाओं को डिजिटल रूप में संपादित किया जाता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो हमारा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दिसंबर 2017 में उत्तर प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों आपके पेपर में यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर और रिलेटेड फैक्ट जो है जरूर पूछे जाने वाले हैं, तो यूपी के बिल्कुल सारी तैयारी बिल्कुल यूपी लेवल से आपको करनी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में किस पार्टी में चंद्रशेखर आजाद का संबंध था? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दिए हुए विकल्पों में से किस पार्टी से? बिल्कुल ठीक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी जो है इससे संबंध था हमारे महान चंद्रशेखर आजाद का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, सभी को पता होना चाहिए कि इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं जो है मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत रह चुकी हैं? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। तो दोस्तों अब कुछ प्रश्न देखते हैं हम रीजनिंग बिल्कुल। इंस्टीट्यूट को किसी भाषा में लिखा जाता है? NOITUTI बिल्कुल ठीक है, SNI लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में परफेक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों अगर हम देखेंगे तो क्या किया है, देखिए जो आई है लास्ट में, फर्स्ट में दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या टेक्निक लगाई जा रही है। बिल्कुल ठीक, जो सबसे पहले पर है वो सबसे लास्ट में आ रहा है और बस हमने बस यही क्रम को चालू रखा। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो अब क्या पूछा है कि परफेक्शन को दिए गए विकल्पों में से किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हमारा पी देखिए लास्ट में आना चाहिए क्योंकि सबसे पहले, तो दोस्तों खाली दो ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जिसमें पी जो है लास्ट में आ रहा है, तो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों प्रश्न देखते हैं कि
स्पर्श ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उस व्यक्ति उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो दोस्तों मान लीजिए यह रहा स्पर्श, और स्पर्श ने एक व्यक्ति का, तो यह रहा व्यक्तिवत, ठीक है। व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ, तो उस व्यक्ति की माँ ये रही माता जी, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो दोस्तों मेरे पिता, ये रहे मेरे पिता के पुत्र, और मेरे पिता के पुत्र तो मैं ही हो गया, और की पत्नी है तो ये हो गई पत्नी। तो दोस्तों मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मेरा कोई भाई बहन नहीं। स्पर्श किसका चित्र देख रहा है? तो दोस्तों यहां से आपको क्लियर होगा, स्पर्श जो है अपने पुत्र का ही चित्र देख रहा है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चार समूहों में उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान हो। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर 6 से गए हम 12 पर और 12 से गए 18 पर, तो जो डिफरेंस है वो कितना है दोस्तों, 6 का है, इसे हम कॉमन डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि देखिए 30 से जाए 36 पर, तो 6 का डिफरेंस, और फिर हम गए 43 पर, तो दोस्तों कॉमन डिफरेंस नहीं है। 6 से जाए 20 पर, तो दोस्तों डिफरेंस हो जाएगा 14, और फिर गए 26 पे, तो डिफरेंस हो जाएगा 6, कॉमन डिफरेंस नहीं है। दोस्तों 12 से गए 24 पे, 12 का डिफरेंस, तो फिर 12 से गए 36 पे। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, 4 से गए 8 पे, तो दोस्तों डिफरेंस है 4 का, फिर 8 से जाएंगे 14 पर दोस्तों, तो डिफरेंस हो जाएगा हमारा 6 का। तो दोस्तों यहां से सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, 18 और 6 दोनों को जोड़ दिया कितना हो जाएगा 24, 24 का एवरेज ले लेंगे वो आ गया बीच में 12। दोस्तों इसी प्रकार हम अगर हम जोड़ेंगे 36 और 12 को तो कितना हो जाएगा 48, तो 48 का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 24। तो दोनों ही तरीकों से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों यदि प्लस का अर्थ है घटाना, तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आपको इसी प्रकार करना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको दी गई सीरीज को लिख लेना चाहिए बिना निशान के। तो दोस्तों यहां पे हमने लिख लिया कि सीरीज में जो 5 अंक दिए गए हैं उनको लिख लिया, अब हम प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्लस का अर्थ है घटाना, तो प्लस हमारा कहां लगा, यहां पर, तो हमने यहां पर घटाना लगा दिया। घटाना का अर्थ है गुणा करना, तो दोस्तों यहां पर घटाना लिखा है, यहां पे हमने क्या किया, गुणा का निशान लगा दिया। भाग का अर्थ है जोड़ना, तो दोस्तों ये रहा भाग, यहां पे हमने जोड़ दिया। और गुणा का अर्थ है विभाजित करना, तो दोस्तों यहां पर गुणा है तो यहां पर हमने विभाजित कर दिया। तो दोस्तों 10 से हम भाग देंगे 5 को तो कितना मिल जाएगा 2, 3 की गुणा करेंगे हम 2 से तो कितना मिल जाएगा 6, और 6 में से क्या माइनस करना है दोस्तों हमें 3, तो 6 में से 3 जाएगा दोस्तों 3 बचेगा, और 3 में 2 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर डी 5 जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों एक क्रिकेट मैच में जो है अरुण शिवम से कम रन बनाता है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि अरुण को रख देते हैं पहले, ये रहे हमारे अरुण, और शिवम से कम रन बनाता है, तो दोस्तों शिवम जो है वो इधर आ गए इनके, कि शिवम जो है वो अरुण से ज्यादा रन बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए हेमंत जो है वो महेश से अधिक रन बनाता है, अब हम हेमंत को और महेश की बात करते हैं, तो दोस्तों हेमंत किससे ज्यादा रन बना रहा है, बिल्कुल ठीक है महेश से, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे पढ़ते हैं, दोस्तों सौरभ हेमंत से अधिक रन पर अरुण से कम रन बनाता है, तो दोस्तों सौरभ को कहां रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तो हम सौरभ को रख देंगे दोस्तों यहां पर, क्योंकि जो है हेमंत से ज्यादा बना रहा है और अरुण से कम बना रहा है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए कि इनमें से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन है, तो दोस्तों प्रश्न में देख के हम ऐसे ही बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी शिवम, क्योंकि शिवम जो है सबसे पहले स्थान पर है और सबसे ज्यादा रन बनाने वाला व्यक्ति दिए गए ऑप्शन में से शिवम हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्हें भी बताया। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों निम्नांकित आरेख में छायांकित भाग जो है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों प्रश्न में आपको पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ छायांकित भाग के बारे में। यदि त्रिभुज जो है गरीब को, वृत्त जो है परिवार को, और वर्ग अमीर को प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों अगर हम देखें छायांकित भाग में तो सिर्फ त्रिभुज और वृत्त का ही काम है, और दोस्तों त्रिभुज गरीब को दर्शा रहा है, वृत्त दर्शा रहा है परिवार को, तो दोस्तों यह भाग क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा गरीब परिवार। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी गरीब परिवार इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों शब्द टेल स्पिन में कितने ऐसे अक्षर हैं, युग्म है, जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के सारे क्रम आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो दोस्तों देखिए यहां पर
एल से हम जाएं एन पर, तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा, एक दो तीन, तो बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों आई से एन तक जाएंगे तो आपका डिफरेंस कितना होता है दोस्तों, पांच होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों एल से, तो एल और आई के बीच में दोस्तों डिफरेंस होता है बिल्कुल ठीक है तीन का, तो यह भी सही है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो पी और एन के बीच में क्या होता है, बिल्कुल ठीक है दो का डिफरेंस होता है। तो दोस्तों यहां से कुल तीन शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही अक्षर के बाद आए हैं जहां पर यहां पर आए हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों 15,000 के एक बिल पर 50% की एक कटौती देने में अथवा 30% और 20% की दो क्रमिक कटौती देने में अंतर क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न को, आप ऐसे भी हल कर सकते हैं कि 15,000 पर एक तो हम दे रहे हैं 50% की कटौती, तो दोस्तों 15,000 का 50% मतलब आधा, तो 7,500 रुपए की कटौती एक प्रकार से होगी। अगर हम दोस्तों दूसरे प्रकार से देंगे तो पहले हमें देनी पड़ेगी 30% कटौती, तो दोस्तों 15,000 का 30% कितना हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों 15,000 का पहले हम 10% निकाल लेते हैं, तो 10% में हमें कुछ नहीं करना होता है, एक जीरो कम करना होता है, तो दोस्तों 10% कितना हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है 1500। 30% निकालेंगे तो दोस्तों हमारा कितना मिल जाएगा, 4500, तो ठीक है। उसके बाद अगर हमने 30% की छूट दे दी है तो 15,000 में से 4500 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 10,500। और इस 10,500 पे हमें फिर से छूट देनी है दोस्तों कितनी, 20% की। तो दोस्तों 20% करने के लिए क्या करना है, फिर एक जीरो गायब किया, तो 1050 है 10%, तो 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ठीक है इसका दुगना 2100 रुपए। दोस्तों दोनों का टोटल कर लिया तो हमारा कितना आ गया, 6600 रुपए। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो एक बार हमें मिलेगी छूट, अगर हम सीधी छूट देंगे फ्लैट डिस्काउंट देंगे तो 50%, तो 7500। अगर हम इसे दो टुकड़ों में 30% और 20% में कर देंगे तो दोस्तों हमारी डिस्काउंट हो जाएगी 6600। तो दोस्तों यहां पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7500 में से आप 6600 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 900। तो दोस्तों यहां से इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों एक मोटर बोट 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है। तो दोस्तों अगर 8 किलोमीटर जाती है 40, 8 घंटे में जाती है 40 किलोमीटर, तो दोस्तों 1 घंटे में कितनी जाएगी, 8 पंचे 40 माने 5 किलोमीटर, और 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है। तो दोस्तों 6 घंटे में जा रही है 36 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी, बिल्कुल ठीक है 6 किलोमीटर। तो दोस्तों शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या होगी, तो दोस्तों कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करने एवरेज निकाल दीजिएगा, तो 11/2 कितना आ जाएगा, 5.5। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से हमारा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों 90 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, और दोस्तों रास्ते में एक पुल को पार करने में यदि उसे 10 सेकंड का समय लगता है तो पुल की लंबाई बताइए। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर आपको जानकारी दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, और इसे हमें बदलना किस में है, बिल्कुल ठीक है इसे हमें बदलना है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि यहां पर मीटर ट्रेन की लंबाई मीटर में दे रखी है। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फिर हमें मल्टीप्लाई करनी होती है 5 से और डिवाइड करना होता है 18 से। तो 18 चौक 72 और 72 से गुणा करेंगे हम 5 के 4, 18 चौक 72 और 4 पंचे 20, तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेन चल रही है। अब दोस्तों देखते हैं कि कितनी देर में ट्रेन ने पुल को पार किया। तो दोस्तों 10 सेकंड में पुल को पार किया है, तो दोस्तों 10 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, यदि 1 सेकंड में चलती है 20 मीटर तो 10 सेकंड में कितनी चलेगी दोस्तों, 200 मीटर ट्रेन चलेगी, बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों 200 मीटर में से ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई है 90 मीटर, तो दोस्तों पुल की लंबाई कितनी बची, बिल्कुल ठीक है 200 में से हम माइनस कर देंगे दोस्तों 90, तो कुल बचेगा 110 मीटर। तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पुल की लंबाई है 110 मीटर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों यदि राम किस 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है, यदि वह 2/5 घंटे में आधी दूरी तय करे तो शेष दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा। तो दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो कुल दूरी कितना करता है 10 घंटे में, और आधी दूरी वह कितने में, 2/5 में, तो दोस्तों 10 का 2/5 कितना हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है 5 दूरी 10, यानी आधी दूरी वह कितने घंटों में कर लेता है दोस्तों, 4 घंटे में।
तो 80 किलोमीटर जाना था, 40 किलोमीटर चला गया दोस्तों, 4 घंटे में बचे कितने दोस्तों 40 किलोमीटर, और 10 घंटे थे कुल, 4 घंटे खत्म हो चुके, अब कितने घंटे बचे दोस्तों 6 घंटे, तो 6 घंटे में जाना है 40 किलोमीटर। तो दोस्तों कितना समय लगने वाला है, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो 40 को हम भाग देंगे 6 से, तो 6 × 36 बचेगा कितना 4 ऊपर और नीचे बचेगा 6, तो इसे भी हम चाहे तो 2/3 लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा 6 सही 2/3। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। दोस्तों इस प्रश्न को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मान लीजिए कि आपने किसी को दिए थे 100 रुपए ब्याज पर, और 12 वर्ष के बाद उसने आपको यह पैसे जो है वो दोगुने करके दे दिए, तो यानी 12 वर्ष में आपको ब्याज के रूप में मिले कितने 100 रुपए। तो दोस्तों ब्याज की दर बतानी है, तो 12 वर्ष में अगर आपको 100 रुपए मिले हैं तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो दोस्तों कुछ नहीं करना, सिर्फ 100 को डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों 12 × 8 = 96 कितना बचेगा 4, और नीचे कितना बचेगा दोस्तों 12, इसे हम 1/3 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर डी 8 सही 1/3% बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों यदि 1 का क्यूब + 2 का क्यूब और ये जाता है 10 के क्यूब तक, तो हमारा आता है 3025। तो दोस्तों अगर तो 2 का क्यूब + 4 का क्यूब + 6 का क्यूब और इसे हमें ले जाना है 20 के क्यूब तक, तो क्या करना, क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, कि अगर आपको सीधे सीधे कंटिन्यूअस सीरीज दे रखी हो और यहां पर 1 का गैप दे रखा है, और तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि हमें मल्टीप्लाई कर देनी होगी 2 के क्यूब की और जो पहले आया था उससे। तो दोस्तों 3025 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के क्यूब की, 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 = 4 × 8, तो दोस्तों हम यहां पे 3025 की गुणा कर देंगे 8 से। तो दोस्तों अगर हम 3025 की गुणा कर देंगे 8 से तो हमारा आ जाएगा 24,200। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, दोस्तों दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल जो है वो हमें दे रखे हैं 12 और 35, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो दोस्तों हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि योगफल कितना है x + y कितना दे रखा है दोस्तों 12, गुणनफल कितना दे रखा है दोस्तों xy कितना दे रखा है 35। तो दोस्तों उनका व्युत्क्रम पूछा है, माने क्या पूछा गया कि 1/x + 1/y क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर हमारा हो जाएगा y + x और नीचे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगी xy। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू रखना है, y + x हमें दे रखा है 12, तो ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों 12, और xy कितना दे रखा है दोस्तों ये 35 दे रखा है, तो 12/35। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से आपको पता चल गया होगा कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए दोस्तों अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।